बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भागलपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। 6 लोगों की मौत हो गई है। स्कॉर्पियो पर अनियंत्रित होकर एक हाइवा ट्रक पलटा। स्कॉर्पियो में जो 6 लोग सवार थे उनकी मौत हो गई है। 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। स्कॉर्पियो सवार सभी लोग एक शादी समारोह में जा रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। मनीष हमें ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बहुत दुखद खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या वजह रही? निश्चित रूप से ये घटना काफी दुखद है। ये घटना भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र के आमापुर गांव, जो कि नेशनल हाईवे 80 पे आता है, वहां पर ये घटना घटी है। और ये कल देर रात की घटना है। और ये जो आमापुर के पास ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, जिस पर एक हाईवा जो है वहां से जा रही थी नेशनल हाईवे से, वो अनियंत्रित होकर वो पलट गया, जिससे घटना स्थल पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस की टीम वहां तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची और घायलों को, फिलहाल 3 घायल हैं इस घटना में, जिन्हें भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। और मनीष, ये किसी शादी समारोह में जा रहे थे, क्या एक ही परिवार के थे सब लोग? ये सारे एक ही परिवार के थे और शादी समारोह में जा रहे थे। ये मुंगेर से पीरपैंती जा रहे थे, ये स्थानीय लोग नहीं थे, ये बाहर से आए थे। और उसी क्रम में जो है ये नेशनल हाईवे पर ये घटना हुई है, जब ये हाईवा पलट गई। और फिलहाल जो है जो 3 लोग घायल हैं उनकी भी स्थिति फिलहाल चिंताजनक बताई जा रही है। जी, शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा हादसा ये भागलपुर में हुआ है। यहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हो गई है।